ओके गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम ये हमने यहाँ तक इसको बनाया था और इसको आगे हम और इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बनाया था, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मल्टीपर्पस करके एक टेक्स्ट मुझे लिखना होगा, रिस्पॉन्सिव मल्टीपर्पस रिस्पॉन्सिव एंड मल्टीपर्पस। सो सिलेक्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट मुझे चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और रेगुलर की जगह इसको दे दूंगा बोल्ड, और इसकी साइज़ थोड़ी छोटी मैं यहाँ पर कर दूंगा, इतनी बड़ी ठीक है, इतनी बड़ी मैं साइज़ इसकी यहाँ पर रख दूंगा। इसका जो कलर है, कलर मुझे डिफरेंट चाहिए, तो कलर में यहाँ जाकर इसका कलर सिलेक्ट कर दूंगा, कलर में यहाँ पर वाइट सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है और नीचे जो टेक्स्ट है वो भी मुझे डालना है, लेकिन उसके पहले ये वाली जो चीज़ है वो मुझे चाहिए, तो ये इसको मैं यहाँ पर अल्ट दबाकर कॉपी करके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। लेयर्स में जाता हूँ, लेयर हमारी कहाँ गई, वो जो हमने सेलेक्ट करी अभी, ट ट ट ट ट ओके, ये कॉपी वाली लेयर है, लेकिन ये हमको सबसे टॉप पे चाहिए, तो इसको मैं ड्रैग करके इसके अंदर डाल दूंगा ताकि हमें ऊपर दिखाई देने लगे। और यहाँ पर इसको इस तरीके से रिस्पॉन्सिव मल्टीपर्पस यहाँ पर इसको मैं सेट कर दूंगा। इसका जो कलर है वो कलर मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा, कलर हमें चाहिए ये वाला, और इसको मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। तो कलर मुझे यहाँ पर ये मिल गया, और नीचे जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट मैं अब यहाँ पर दूंगा, टेक्स्ट इस तरीके से देता हूँ, और यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इस तरीके से यहाँ पर इसको मैं पीछे ले लेता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके मुझे लेफ़्ट अलाइन मुझे करना है इसको, इसको मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना है क्योंकि इसकी जो साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी जा रही है, इतनी बड़ी साइज़ हमें नहीं चाहिए टेक्स्ट की, कुछ इतनी साइज़ हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो एलिमेंट है तीनों, इन तीनों एलिमेंट को मैं एक इसका ग्रुप बना लूँगा, एक्चुअली इसका 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 इन तीनों का इसको ग्रुप कर देता हूँ, ये देखेंगे आप, ग्रुप में बंद चालू कर सकता हूँ। अब इन ग्रुप को ऐसे मुझे दो और चाहिए, इसकी दो कॉपीज़ और चाहिए, तो उसको मुझे सिंपली कॉपी यहाँ पर करना है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक अरेंजमेंट करना है, और अरेंजमेंट ये है कि इसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर, और ये जो टेक्स्ट है वो भी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा अलाइनमेंट जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ये जो ग्रुप फाइव है इसकी मुझे दो कॉपीज़ करनी है, ठीक है, तो इस वाली कॉपी को मैं ऑटो सेलेक्ट बंद करके नीचे ड्रैग करके यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूंगा, और ये वाली जो कॉपी है इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग करके नीचे यहाँ पर इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे इनका टेक्स्ट चेंज करना है, और ये वाली जो इमेज है उसको मुझे यहाँ पर चेंज करनी है, तो इमेज पर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा ईजी कस्टमाइजेशन, ठीक है, और इसको यहाँ पर ये जो इमेज है इसको मुझे चेंज करना है, तो मेरे पास ये पजल करके था, ये पज़ल मुझे यहाँ पर चेंज करना है, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर पज़ल जो है, पज़ल पीसेस जो है इसको यहाँ से कॉपी कर दूँगा। आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर दो चेंजेस और करने हैं, ईजी कस्टमाइजेशन रिस्पॉन्सिव के बाद इसको मैंने सिलेक्ट करना है, और अनलिमिटेड फीचर्स यहाँ पर करके मुझे एक टेक्स्ट डालना है, तो वो यहाँ पर मैं अनलिमिटेड फीचर्स यहाँ पर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, और यहाँ पर मुझे लेना है इसको, सॉरी ओके, इसको यहाँ पर जाकर स्टार करना है, इसको मैं स्टार को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और इसको स्टार को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये जो इमेज है ये अब अच्छा दिख रहा है, एक सेक्शन हमने और यहाँ पर क्रिएट कर दिया, एंड इट्स लुकिंग मच बेटर हमारा ये जो डिज़ाइन है। ओके, अब मैं इसको इन तीनों ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी दबाऊँगा, उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक्चुअली ये क्या साइज इसका मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर एक इमेज इनपुट करनी है, तो वो इमेज मैं अब यहाँ पर इनपुट करूँगा, तो इमेज जो है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो वो इमेज यहाँ पर मैं इसको
इनपुट कर दूंगा इस तरीके से, ये वाली जो इमेज है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं जाने देनी है हमको इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको जूम करूँगा और नीचे देख लूँगा कि ये सब बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर सेटअप है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, लुकिंग मच बेटर। पहले से हमने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कर दिए और ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो हमारी डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसमें और आप चेंजेस कर सकते हैं। और गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैंने अपनी पर्सनल कोचिंग शुरू की है, अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेक कर लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्वाइन करें, क्योंकि आप बहुत सारी नई चीज़ें वहां पर सीखेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।